नमस्कार, मम्मी अम्मी किचन फूड में आपका स्वागत है। और आप कैसे हो? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं निमकी बनाने जा रही हूँ, तो ये निमकी नींबू से बनता है। और ये देखिए नींबू है, ये जमेरी नींबू बोलते हैं इसको। ये देखिए, सब नींबू के नाम अलग होता है। कागजी नींबू होता है, उसका छिलका पतला होता है। जमेरी नींबू के ना मोटा छिलका होता है, इसका मोटा छिलका है। ये देखिए, इसे मैं पहले से बॉयल कर ली हूँ। वीडियो लंबा होने के चक्कर में मैं आपको ऐसे दिखा रही हूँ, आप अपना ध्यान से देखिएगा। इसे मैं बॉयल कर ली हूँ, तो इसे मैं हटाती हूँ आपको दिखाने के लिए। कच्चा नींबू आपको दिखा रही थी। और ये है नींबू जो मैं बॉयल की हूँ, ये वाली नींबू। इसी नींबू को बॉयल करने के बाद ये कलर हो गया है, देख लीजिए। और इसका एक निमकी बनता है जो इसे घीस करके बनता है। घीस के सारा छिलका घीसने से निकलता है, इसे छील के नहीं बनता है, घीस के। वो भी मैं कभी आपको दिखा दूंगी बना करके, उसमें बहुत मेहनत लगती है। और जो ये बॉयल करके बनती है इसमें मेहनत नहीं लगती है। इसका कलर भी चेंज हो गया देखिए, और नमक डलने से ही बिल्कुल वाइट हो जाएगा। और देखिए ये पीला सा हो गया, अच्छी तरह से पक गया है। और इसे मैं पानी में नहीं उबाली हूँ, ये छन्नी देखिए, ये छन्नी है, ये मैं स्टीम दी हूँ। छन्नी के ऊपर से इसको डाल दी हूँ। और डालने के बाद इस बर्तन में पानी था गर्म होने के लिए, ये चूल्हे पे मैं चढ़ाई थी, अभी मैं फेंक दी हूँ, इसे साफ़ कर ली हूँ। और इसको बस ढक दी थी मैं। ढकने के बाद इस बीच बीच में मैं चेक कर रही थी कि हुआ कि नहीं, बस हाथ से इसे चिपक करके ऐसे चिपक गया। पिचकू जब होने लगा तो मैं समझ गई कि ये हो गया है। तो बस ये स्टीम दिया हुआ है, भाप में समझिए, स्टीम में समझिए, जो आपको समझना है वही चीज़ है। तो ऐसे मैं इसे बॉयल कर ली हूँ, और देखिए पिचकना शुरू हो गया है। अब मैं इसका निमकी बनाती हूँ। इसमें कुछ मेहनत नहीं है, बहुत साधारण है और पेट के लिए बहुत फायदेमंद है। आप इसको कल से खाना स्टार्ट कर दीजिए, जो बॉयल करके बनाते हैं। इसे पानी में उबाल करके भी आप बना सकते हैं, लेकिन मैं भाप में बना ली हूँ ताकि पानी इसके अंदर ना घुसे। कोई फट जाता है तो उसके अंदर पानी घुस जाता है इसी वजह से। तो ये बहुत आसानी से बनता है और बहुत फायदेमंद है। बस नमक में ही बनेगा, इसमें कोई दूसरा मसाला नहीं लगेगा। और ये साल क्या, ये 5 साल 6 साल 10 साल भी रख लीजिए, इस कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता इसका। नमक के साथ होता है, कोई तेल मसाला नहीं होता है। किसी के पेट में भी अगर दर्द हो गया तो थोड़ा सा इसमें से इसे तोड़ के, इसे बीच से तोड़ के निकाल लेते हैं। थोड़ा पुराना जब हो जाता है, जैसे 2-4 महीने का हो जाता है, तो निकाल के पानी में थोड़ा सा घोल के पिला देते हैं तो पेट दर्द भी ठीक हो जाता है। और कभी भी खाना खाते हैं तो पेट में कभी भी हल्का फुल्का दर्द, इससे आराम मिल जाता है। तो इसमें कुछ नहीं डालते, बस नमक डालते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बनाना है। ये डब्बा है, अच्छा सा आप डब्बा ले लीजिए, कांच के डब्बा ले लीजिए, जो आपको मतलब कि डब्बा लेना है। कांच के डब्बा भी रख सकते हैं, ये प्लास्टिक के हमारे पास अभी अवेलेबल यही था, कांच के नहीं था, नहीं तो कांच में और बढ़िया होता है, उसे बोयाम बोलते हैं। उसके अंदर अब इसे डालिए, ये देखिए मैं इसे डाल दूंगी। और इच्छा है तो इसको 2 दिन तो घर में रखिए इसको बंद करके, 2 दिन बाद इसमें धूप दिखा दीजिए। नहीं मन है तो मत दिखाइए, कोई ज़रूरी नहीं है इसमें धूप दिखाना, लेकिन तब भी 1-2 बार धूप दिखा दीजिए और बंद करके रख दीजिए। ये नमक है, नमक थोड़ा इसमें ज़्यादा मात्रा में डालते हैं ताकि ये पानी छोड़ दे नमक के। नमक के पानी में जैसे रसगुल्ले के होता है रस, चाशनी होती है, चाशनी के अंदर जैसे रसगुल्ले होता है ना, वैसे ही ये हो जाएगा रस के अंदर, पूरे ये रस में डूब जाएगा अच्छी तरह से। आधा यहाँ तक होगी इसका, इसका रस होगा जो ये होगा नमक का। एक पाव से ज्यादा नमक मैं इसमें डाल दी हूं। ये हो गया,
अब इसे ढक्कन बंद करके रख देना है। ये देखिए नमक, अब इसे मैं रख दी और इसे बीच बीच में हिलाते रहूंगी। एक दिन दो दिन बाद इसे अच्छी तरह से हिलाऊंगी, इसे अंदर पानी पानी हो जाएगा, तो मैं एक दिन और आपको दिखाऊंगी बना करके कैसे पानी इसमें हो जाता है, फिर मैं वीडियो आपको कंप्लीट करूंगी। अभी यहीं तक है, इसके बाद मैं आपको जब थोड़ा पानी इसके अंदर छोड़ देगी तब मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए दो दिन बाद कितना पानी इसमें निकला है। देखिए नमक डालते पानी कितना है देख लीजिए। इसको ऐसे करते हैं, और ये नमक के पानी में ही रहेगा। आप इधर से देखिए, पानी ही पानी है, और ये नमक के पानी है। अब इस सब इसके अंदर घुस जाएगा पानी, और अभी भी खाने लायक हो गया है। हम खा करके एक निकाल करके खा के टेस्ट किए हैं। इसे निमकी बोलते हैं, नींबू से कोई भी नींबू ले लीजिए आप। इससे छोटी नींबू के भी बन जाएगा, बड़े नींबू के भी बन जाएगा, पर इसे भाप में आप बनाइए या उबाल के बनाइए तो बहुत ही टेस्टी बनेगा और जल्दी बनेगा। और घीस के बनाइएगा तो धूप में एक महीना तक उसे सुखाना पड़ेगा। इसको बस एक दो दिन धूप दिखा दीजिए, ज़रूरी नहीं है कि धूप नहीं भी दिखाइए, इसे रख दीजिए, ये आराम से इसी में रहेगा। बस दो दिन तीन दिन पे एक बार झमार दीजिए इसको। झमारना इसको क्या बोलते हैं बताती हूँ मैं, ये ऐसे करके डब्बा बंद कर दीजिए। पहले डब्बा को अच्छी तरह से बंद करके ऐसे कर दीजिए। तो निमकी बनके तैयार है। अगर आपको अच्छा लगे तो मम्मी अम्मी किचन फूड को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।